दिल्ली के शाहजहांपुर में 6 साल के बच्चे के साथ कुकर्म के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने बच्चे का अपहरण करके पहले तो उसके साथ कुकर्म किया और बाद में उसे अपने ही घर में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के ककरा इलाके की है, जहाँ 6 साल का बच्चा केशव दोपहर अपने घर से लापता हो गया था। घर वापस ना आने पर उसके परिवार को शक हुआ, तो शक के आधार पर जब बच्चे को परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले सिबा के घर में ढूंढा तो बच्चे की लाश रजाई में लिपटी हुई मिली। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों की माने तो पहले बच्चे के साथ कुकर्म किया गया और बाद में पोल खुल जाने के डर से सिबा ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की तफ्तीश में जुट गई है। बच्चा के उसी के पड़ोसी के जो घर के बगल में ही उस लड़के ने खेलने के लिए गए थे, तो उस जो जिसके घर पे गए थे तो वहाँ उसका तबीयत बिगड़ गई है करके उसको हॉस्पिटल में लेके आया, तो उसका मृत घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचायत में पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हर पहलू पे हमने जांच करने के लिए और हर पहलू पे रिपोर्ट लेने के लिए बताया गया है, और जो जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी तथ्य सामने आ जाएगा इसको सख्ती से कार्रवाई कर किया गया है। बताया इस संबंध में भी पूरा मेडिकल रिपोर्ट वगैरह लिया जा रहा है, और जो भी मेडिकल जो तथ्य जो है उसके ऊपर